खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 का रॉकेट 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिट था, चंद्रयान 2 में ऑर्बिट के साथ में लैंडर और रोवर भी थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेगा। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिसमें अब तक चीन, रूस और अमेरिका था। 2019 वाला डर था, सबके चेहरे पर तनाव दिख रहा था। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठे थे, पर मन में हलचल चल रही थी। डर भी था लॉन्चिंग को देखने के लिए। दूर बैठे 10,000 से ज्यादा दर्शक भी अपनी सांसें रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। ये भारत पाकिस्तान जैसे क्रिकेट मैच का तनाव नहीं था, ये देश को गर्व का पल दिलाने वाली सफलता से पहले का तनाव था। सभी वैज्ञानिक सामने लगे स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। जैसे ही आखिरी 5 सेकंड की गिनती रह गई, इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी सीट पर चुंबक की तरह चिपक गए थे। सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी सीट पर जम चुके थे। काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1, 0 और लिफ्ट ऑफ, और फिर सब आसमान की तरफ देखने लगे। जैसे ही रॉकेट हमारे चंद्रयान को लेकर ऊपर उड़ा तो कुछ देर तक शांति छाई रही। करीब 2 मिनट बाद जैसे ही पहला स्टेज कंप्लीट हुआ तो सभी खुशी से उछल पड़े। अभी तक जिन चेहरों पर तनाव दिख रहा था उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। हालांकि यह मुस्कान अभी अधूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले 42 दिनों तक चांद की दूरी तय करता रहेगा। यह हमारे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत है, हर कोई इस मिशन को सफल होते देखना चाहता था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुए सफल लॉन्चिंग ने देश को गौरव का क्षण दिया। जैसे ही चंद्रयान 3 अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा तो वैज्ञानिकों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। इसरो चेयरमैन सोमनाथ, जो तनाव के कारण कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हुए थे, वो भी उछल पड़े। चंद्रयान 3 अपने सफर पर रवाना हो चुका है। लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का तीसरा मून मिशन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 को ले जा रहे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे रैकेट LBM-3M4 ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में डाला गया। अब अगले 42 दिनों में 3,00,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए ये चंद्रमा तक पहुँच जाएगा। अगर ये मिशन सफल होता है तो 14 जुलाई 2023 का दिन हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जो राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इसी खबर पर न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से आज का दिन रहा है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए? आज भारत के लिए जो है बहुत ही बड़ा दिन है, और भारत ने पूरे विश्व में एक इतिहास रच दिया है। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसमें अब तक चीन, रूस और अमेरिका का नाम था और उनकी ही बदसाहत थी। भारत जो है उन्हीं देशों के ऊपर जो है चंद्रयान से संबंधित जानकारियों को लिए निर्भर था, लेकिन अब भारत ने जिस प्रकार से श्री हरिकोटा से अपने चंद्रयान 3 मीन मिशन को लॉन्चिंग की है, उसे भारत ने पूरी दुनिया में इतिहास रच करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मौके पर जो है पूरे देशवासियों को ओर से बधाई दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे पर है, वहाँ से भी उन्होंने अपने ट्वीट करके और वैज्ञानिकों को इसके लिए उनके प्रयास और उनके सफलता के लिए शुभकामनाएं भेजी है। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन अगर इस दौरान बात की जाए, तीसरी बार ये रहा है, चंद्रयान 1 भी लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, अब ये तीसरी बार है जब ये लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3, तो कितना अलग है ये बाकी 2 के प्रयासों से? देखिए, पिछला जो चंद्रयान 1 था और चंद्रयान 2 था, वो लगभग लगभग जो है सफल होते होते रुक गया था। चंद्रयान 2
टू जब 2019 में लॉन्च किया गया था तो वो ठीक जो है ऑर्बिट में स्थापित होने से कुछ देर पहले ही जो है वो बिखर गया था और वो सही तरीके से वहाँ पर जो है उसका बूस्टर स्थापित नहीं हो पाया था। हालांकि वो आज भी एक्टिव है और एक्टिवली जो है वो कुछ कुछ जो है अपनी एक्टिविटी जो है वो बताते रहता है, लेकिन चंद्रयान 3 जो है आज पहली बार पूरी दुनिया के सामने जो है वो सफल हो पाया है और भारत ने इसकी जानकारी जो पूरी दुनिया को दी है ट्वीट करके, इसरो ने जानकारी दी है ट्वीट करके कि भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मिशन 3 जो है चंद्रयान का उसको उसने लॉन्चिंग कर दी है। पिछले साल जब अंतरिक्ष इसरो के जो प्रमुख थे सिवन, उन्होंने काफ़ी हताश हो गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको काफ़ी ढांढस जो है वो बधाया था, वो भी जो है आज इस ऐतिहासिक पल के मौके पर मौजूद थे। इसके अलावे आज जो वर्तमान जो इसरो के प्रमुख हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे, साथ ही साथ जो अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वो भी वैज्ञानिकों को जो है वो हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा सबसे 200 से ज़्यादा वैज्ञानिक और छात्र इस पूरे ऐतिहासिक पल को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और भारत की कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सफलता है और चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से दुनिया ने उन चुनिंदा देशों में अपने स्थान को हासिल कर लिया है जिसको लेकर के पिछले कई वर्षों से लगातार भारत जो है वो प्रयासरत था। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ने के लिए विस्तार पूर्वक जानकारी देने के।